भू संचलन अर्थ मोमेंट, भू संचलन अर्थ मूवमेंट इस वाले पाठ को जब देखेंगे तो ये पाठ जब आपको शब्द में तो एक छोटा सा ही शब्द है भूमानी भूमि संचलन का मतलब उसके अंदर क्या बल या गति हो रही है जैसे अपन कहीं पृथ्वी में अंतर्जात बल हैं कुछ बहीजात बल हैं इंड्रोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स कुछ ऐसे टॉपिक भी आपको नजर आएंगे जिसमें जो टॉपिक आपने पाठ्यक्रम में लिख नहीं रखे लेकिन वो आपको नजर आएंगे कि उसके पार्ट से प्रश्न आता है क्योंकि कुछ ऐसे बड़े पार्ट हैं जिसके अंदर किसी पार्ट से रिलेटेड होते हैं जिसमें बहुत सी जानकारियां इंटर रिलेटेड हैं एक टर्म ऐसा आता है मोशंस ऑफ अर्थ क्या अर्थ हुआ पृथ्वी की गतियाँ और पृथ्वी की गति दो हैं एक अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन और एक सूर्य के चक्कर लगाती है कुछ विद्यार्थियों ने पहले के एग्जाम्स के अंदर इस वाले टॉपिक को ये पढ़ा मतलब खास बात है कि विद्यार्थियों को ये नहीं पता किसका अर्थ क्या है एक विद्यार्थी नोट्स दिखाने के लिए लेके आया जो भी जहां से पढ़ा हुआ था साहब एक बार नोट्स देख रहे हैं उन्होंने कहा कि साहब मैं पढ़ा हुआ हूं तो मैंने उनको उचित सलाह दी कि आप पढ़े हुए तो घर पढ़ो अब कारण है कि आपको कोचिंग एक बार ही करनी है अब चुनाव आपको करना था तय में किसका चुनाव किया लेकिन एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ना जरूरी खुद का होता है उसमें अभ्यास की जरूरत होती है और अभ्यास के बगैर संभव नहीं है तो साहब एक बार आप देख लो कि वो क्या क्या मैंने मैटर तो उसने जो भी रजिस्टर थे तो मैंने बताया कि ये टॉपिक तो है नहीं सिलेबस में और फिर उसको कुछ समझ में आए जब इस टॉपिक की बात की तो उनका एक कि साहब ये तो सिलेबस से ही बाहर आ गए तो उसका कारण था कि इस टॉपिक की जानकारी नहीं थी इसमें तो पढ़ना क्या था इसलिए कई बार गलती ये हो जाती है कि अपने सिलेबस का पार्ट क्या है सब तो छोटा सा है लेकिन जब इसकी डिटेल बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा जानकारी निकल के आएंगी लेकिन ये पार्ट अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है हाँ आपको ग्रेड सेकंड देना है उसमें आप देखें एसएसटी के विषय के अंदर आपको ये टॉपिक भी वहाँ नज़र आएगा लेकिन इस वाले पार्ट में नहीं है और जब आप अपने अलग अलग पार्ट के विषय हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें अलग टॉपिक के रूप में नजर आएगा नेट जी आर एफ में आपको अलग रूप में नजर आएगा स्कूल लेक्चरर के अंदर आपको अलग रूप में नजर आएगा तो किसी पार्ट को स्पेसिफिक भी लिख देता है इसके कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसका अलग से बिंदु भी लिख रखे हैं तो सही मायने में भू संचलन अर्थ मूवमेंट से तात्पर्य है पृथ्वी में जो उत्पन्न होने वाले जो बल हैं जिसमें अपन के एक अंतर्जात बल हैं और एक बहिर्जात बल हैं एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स तो पहले तो अपन बात करते हैं कि कौन कौन से हैं फिर अपन बात करेंगे कि किस रूप में इनसे कार्य हो रहा है तो ये हेडिंग डाल दें और आप कॉपी में आड़े रूप में बना लें आड़े पेज के रूप में नए पेज पे हेडिंग डालना है इसको यदि पेज आ जा है तो उसमें बाद में लिखेंगे पहले एक बार टेबल बनाएंगे टेबल ऐसी बने अब सारी जानकारी एक ही पेज पे आ जाए एक नज़र में सब कुछ दिख जाए हाँ ठीक है तो तभी इसका टेबल का सही मायने में प्रश्न बन पाएगा मैं जानकारियों को थोड़े से छोटे रूप में लिखता हूँ जिससे इसमें सारी जानकारियाँ लिखी जा सकें भू संचलन अर्थ मूवमेंट इसको दो पार्ट में डिवाइडेशन कर दें और इसको पार्ट ए बांट दिया जिसको कहा अंतर जात बल और दूसरा ये इधर वाला पार्ट ये अंतरजात बल के लिए तो पेज दो तिहाई हिस्सा रहना चाहिए और बहिर्जात बल के लिए एक तिहाई हिस्सा रहे और ये इधर लिख दिया आपके सामने बी पार्ट बहिर्जात जात बल आप तो अपने इस तरीके से बनाओगे दो तिहाई हिस्सा अंतर जात बल वाले के लिए बात रखेंगे पार्ट पेज और एक तिहाई बहिर्जात मैं सामान्यतः आपके सामने इस वाले में केवल अंतर जात बल की ही बात करूंगा क्योंकि उसमें सारे नाम लिखना संभव नहीं है बहिर्जात बल को अगले पेज पे आपके सामने रखेंगे अंतरजात बल वो बल हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं बहिर्जात बल वो बल हैं जो पृथ्वी के ऊपरी धरातल पे उत्पन्न होते हैं अंतरजात बलों में जब आप देखेंगे तो इस वाले भाग में भी इसको दो पार्ट में डिवाइडेशन किया जाता है एक लिखते हैं ए जिसको कहा जाता है पटल विरूपणी बल पटल विरोपणी बल डायस्ट्रोफिक फोर्स ये ऐसे बल हैं जो धीमी गति से कार्य करते हैं लंबे समय अवधि के परिणाम स्वरूप इनका प्रभाव नजर आता है तुरंत दिखाई नहीं देते हैं इसलिए पटल यूरोपणी बल तो कैसे हैं धीमी गति के बल और दूसरा पार्ट इसमें लिख दिया है। मैंने आपके सामने जिसको कहा आकस्मिक बल सडन मोमेंट, आकस्मिक बल सडन मोमेंट क्षण भर में ही घटना घटित तो हो जाए जैसे भूकंप और ज्वालामुखी की घटना है और इसमें आप नीचे लिख दें भूकंप और एक घटना लिख दें ज्वालामुखी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों कैसे बल हैं अंतरजात बल हैं लेकिन कैसे हैं? आकस्मिक हैं। और ये दोनों अलग भी टॉपिक लिख रखे थे अपने सिलेबस में दोनों को अलग भी अध्ययन किया है भूकंप ज्वालामुखी सडन मूवमेंट क्षण भर में ही घटना घटित हो जाए। धरातल को गैसे तोड़ के बाहर निकलती है वैसे ज्वालामुखी का इरप्शन हो जाता है और जैसे धरातल को तोड़ती है पृथ्वी में कंपन होता है जिसे भूकंप आ जाता है और सही मायने में यही कहा जाता है कि भूकंप का जब पता चलता है जब भूकंप आ चुका होता है आ जाता है उसके बाद पता चलता है भूकंप आया है ये आकस्मिक सडन मूवमेंट क्षण भर में घटना घटित हो जाए ये लंबे समय अवधि के परिणामस्वरूप घटनाएं घटित होती हैं जिनको अपन नाम रखा है पटल विरोपणी डायस्ट्रॉफिक फोर्स जिसको कहते हैं इस डायस्ट्रॉफिक फोर्स की जो बात करते हैं पटल विरोपणी इसको भी अलग अलग पार्ट में देखते हैं पुरानी पुस्तकों में डायरेक्ट इसी को डिवाइडेशन करता है लेकिन अब जो नई बात करते हैं जहाँ सबसे आधुनिक जो सिद्धांत है जो अपन कहीं पर्वत पठार या मैदान की बात है या भूकंप ज्वालामुखी की घटना है महासागरी गर्त की बात है या तोरण द्वीप की बात है इन सबकी सबसे सटीकता से व्याख्या करता है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत इसलिए मानता है कि पटल रोपणी जो बल हैं ये प्लेटों के साथ क्रियाओं के साथ घटित होते हैं प्लेट की गतियों के साथ होते हैं इसलिए इनको विवर्तनिक बल भी नाम देता है और इस वाले पार्ट को पुणे में आपके सामने तीन पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया इसको कह दिया कह, जिसको कहा विवर्तनिक बल दूसरा लिखा ख जिसको या तो कहता है भू संतुलन या समस्थिति आइसोस्टैसी भू संतुलन ये तो भू संचलन है आइसोस्टेसी जिसको सम स्थिति या भू संतुलन कहते हैं और ये भी अपने एक अलग से टॉपिक है और तीसरा पार्ट लिख दिया गया जिसको कहते हैं सुस्थैतिक जब आप देखेंगे कि बहुत से अंतरहिम युग आए थे और अंतरहिम युगों के समय समुद्र के जल स्तर में जो परिवर्तन हुआ है जल स्तर ऊपर या नीचे हुआ है उस घटना से संदर्भित बात है जिसको कहते हैं सुस्थैतिक तो ये अंतरहिम युगों के समय समुद्री जल स्तर में जो परिवर्तन हुआ है उसको कहा है सुस्थैतिक लेकिन ये टॉपिक अपना अलग है ये टॉपिक अलग है ये भी अलग है ये नाम अपने अलग से दे रखे हैं तो इनका तो अपने को अध्ययन करना ही था और यदि नहीं लिखते तब भी इनको एक बेसिक जानकारी के रूप में इस भू संचलन में भी पढ़ना था और ये विवर्तनिक जो प्लेट विवर्तनी की है विवर्तनी की उसे ही कहते हैं कि प्लेट के किनारों पर जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें विवर्तनिक क्रियाएं कहते हैं और प्लेट के किनारों पर ही सारी घटनाएं घटित होती हैं और यह विवर्तनिक बल हैं यह भी दो रूप में और इस वाले भाग में यहां लिखा आपने एक नंबर जिसको कहा महादेश जनक बल महादेश जनक बल इपीरियो जेनेटिक फोर्स महादेश जनक बल और दूसरा लिखा दो नंबर जिसको कहा पर्वत निर्माणकारी बल आप बहिर्जात जात के नीचे मत लिख देना पर्वत निर्माणकारी बल ओरोजेनेटिक एपीरोजेनेटिक महादेश जनक बल ओरोजेनेटिक पर्वत निर्माणकारी बल एक बार वापिस फिर ऊपर वाले डायग्राम से ध्यान दो ये अपने अंतर्जात बल को दो पार्ट में बांटा ए को क्या कहा कैसे बल है लंबे समय अवधि के स्वरूप प्रभाव नजर आता है और इनको क्या बताया अपने आकस्मिक आकस्मिक में दो ही है भूकंप और इसका मतलब इस पटल विरोपणी के सारे भाग हैं ये नीचे और, और इनकी गति क्या है बहुत ही धीमी है प्रत्यक्ष तौर से नजर नहीं आता है जैसे पर्वत निर्माणकारी घटना तो पर्वत अचानक नहीं बनता रात को सोए सुबह उठे तो पर्वत खड़ा मिला वही स्थिति नहीं है इसका धीरे धीरे जैसे अपन सबसे नवीन वलित पर्वत भी साढ़े छह से सात करोड़ वर्ष पहले बने बनना प्रारंभ हुआ कराकुरम बना फिर लद्दाख फिर जास्कर फिर मान हिमालय फिर लघु हिमालय मतलब कई वर्षों के समय अंतराल के ऊपर बने हैं इसलिए ये आकस्मिक घटना नहीं है धीरे धीरे है और महादेश जनक बल भी दो हैं और इसमें कहते हैं ये दो तरीके से करते या तो अपन कहें इसमें कोई महाद्वीप भाग ऊपर उठता है या फिर नीचे धसता है और ऐसा जो बल होता है जिसको अपन कहते हैं इस रूप में ये जो बल की गति है ये होता है लंबत वर्टिकल या ऊर्ध्वाकार लंबत ऊपर उठना या फिर नीचे धसना इसका मतलब महादेश जनक बलों में कैसी अपन की क्रिया होगी लंबत जो मैंने डायग्राम से बनाया है और इसके ये दो पार्ट मैंने लिखा एक लिख दिया इसको ऊपरी मुखी ऊपरी मुखी संचलन अपवर्ड मोमेंट और दूसरा है अधोमुखी संचलन डाउनवर्ड मूवमेंट अधोमुखी संचलन ऊपरी मुखी का मतलब ऊपर की तरफ उठना और अधोमुखी का मतलब नीचे की तरफ धसना ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट और दोनों घटनाएं किससे संबंधित एपीरोजेनेटिक महादेश जनक बलों के संदर्भ में है ये अब इसकी जानकारी को सुने जो शब्द लिख रहे हैं जिससे प्रश्न आना है जब कोई महाद्वीपीय भाग लंबवत गति के रूप में ऊपर उठता है तो उसको उत्थान कहते हैं और नीचे की तरफ धसता है तो उसको धसाव कहते हैं इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया होगी उत्थान और इसमें कौन सी क्रिया हो रही है दशाव ये तो मैंने महादेव की बात की अब कोई एक ऐसा भाग है जो तटवर्ती भाग में जहां मगन तट का भाग है जो पहले समुद्र में डूबा हुआ है लेकिन मगन तट का भाग जैसे ही समुद्र से ऊपर उठते हुए बाहर आ गया और बाहर आ जाएगा जब कोई समुद्र में डूबा हुआ स्थलीय भाग ऊपर उठते हुए बाहर आएगा तब उसको नाम देंगे निर्गमन उसको क्या नाम दिया निर्गमन जिसको कहते हैं उन्मंजन इंग्लिश में लिखेगा एमरजेंस दोनों में ऊपर उठने की क्रिया है लेकिन यह तो क्या है महाद्वीप भाग ऊपर उठता है तो उत्थान ये निर्गमन उसको कहते हैं कि समुद्र में डूबा हुआ है स्थल का भाग लेकिन वो स्थल का भाग ऊपर उठते हुए समुद्र से बाहर आ गया तब उसको क्या नाम दिया निर्गमन और ऐसा ही अपन कोई कोई महाद्वीप भाग नीचे धस रहा है तो उसको नाम क्या रख दिया और कोई ऐसा तटवर्ती भाग जो नीचे धसते हुए समुद्र में डूब जाए जलमग्न हो जाए तब उसको नाम देंगे निमंजन इसका मतलब निर्गमन और निमंजन ये घटना तो समुद्र से संबंधित है और उत्थान और धसाव ये घटना किससे है महाद्वीप वाले भाग से है, है दोनों में समान क्रिया ये महाद्वीप भाग का ऊपर उठना तटवर्ती भाग का ऊपर उठते हुए समुद्र से बाहर आ जाना जैसे तटवर्ती भाग में उत्थान होते समुद्र से ऊपर आ गया तब उसको नाम क्या रख दिया उन्मंजन या फिर निर्गमन और महाद्वीप भाग नीचे धसना तो उसको कह दिया और महाद्वीप भाग तटवर्ती क्षेत्रों का नीचे की तरफ धसते हुए समुद्र में डूब जाना तब उसको नाम क्या दिया और दोनों में बल कैसा है लंबवत इसका मतलब महादेश जनक बलों के अंदर क्या घटनाएं घटित होंगी उत्थान या दशाव होता है या फिर निर्गमन व निमंजन होता है उत्थान दशाव निर्गमन निमंजन ये चारों घटनाएं आकस्मिक हैं या धीमी गति वाली हैं इसका पटल रोपणी वाले भाग की पार्ट हैं फिर देखिए पर्वत निर्माण इसमें आपने कहा कि ये जो बल है ये तो कैसा है लंबवत वर्टिकल और अब इस वाले भाग में आप ध्यान देंगे तो पता चले कि इस वाले भाग में ये कैसा बल है छैतीज प्लेटें कैसे गति करती हैं? लिखा था प्लेटें दुर्बलता मंडल पर छैतीज गति करती हैं। ये सब लिखा था दूसरा देखो एक और टर्म यह कैसी गति है दोनों ही गतियां छैतीज हैं फर्क इतना है इस वाले भाग में तो कोई दो स्थलखंड आमने सामने आ रहे हैं। इस वाली स्थिति में कोई दो स्थलखंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं लेकिन गति कैसी है क्षेत्र है रिजेंटल है तो यहां पर्वत निर्माण से संबंधित जो बात है इसमें कैसी जो अपन के बल लग रहा है क्षेत्र या जिसको अपन समानांतर कहते हैं होरिजेंटल और पर्वत निर्माणकारी बल भी दो हैं और एक नंबर पे इसको लिखा टेंशन फोर्स तनाव बल और तनाव बल में उसमें से आपके सामने ये डायग्राम आ गया है यानी जब दो स्थलखंड एक दूसरे से दूर जाएंगे तो चट्टानों में अब तनाव बल की उत्पन्न होगा और तनाव बल से चट्टाने क्या होंगी क्रैक हो जाएंगी टूट जाएंगी और टूटने से क्या बनती है भ्रंश घाटी बनती है ऐसे प्लेटोम देखा मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण महासागरों में इसका मतलब ये तनाव बल है और तनाव बल से हमेशा जब भी स्थलीय भाग पे पर्वतों से संबंधित बात करेंगे तो इससे भ्रंश की क्रिया होती है किसका निर्माण होता है भ्रंश फाल्ट जब कोई दो स्थलखंड एक दूसरे से दूर जाते हैं तो जिस तल के सारे क्रैक होते हैं टूटते हैं उसको भ्रंश तल कहा जाता है तो भ्रंश का निर्माण किससे होगा तनाव बल से दूसरा देखिए इस वाले भाग में कंप्रिशन फोर्स जिसको कहते संपीडन बल और संपीड़न बल में देखिए इस तरीके से जब कोई दो स्थलखंड आमने सामने टकराते हो तो आमने सामने प्लेटें टकराई तो दोनों प्लेटों के किनारे का जो भाग था वो वलित तो होकर पर्वत बन गया इसका मतलब वलन बनेंगे कहीं आप ये नहीं समझना है कि सब पता चला कि दोनों तरफ से बल लगा और दोनों तरफ से स्थलखंड आए और पर्वत बन गया तो आपको लगे पर्वत ऊपर उठ रहा है वो दोनों तरफ से बल लगने के कारण मलवा क्या हो रहा है मुड़ रहा है और मुड़ना जिसको कह रहे हैं उसका तात्पर्य होता है वलन फोल्ड तो संपीडन बल से क्या होता है या तो वलन बनता है या बड़े क्षेत्र में एक घटना होती है तो उसको क्या कहते हैं संवलन कहते हैं वार्प, फोल्ड और वार्प की घटना वलन संवलन में केवल क्षेत्र के एरिया का अंतर है वलन छोटे भाग में बनता है संवलन बड़े भाग में बनता है बस आकार में फर्क है बाकी दोनों समान है इसका मतलब जैसे कहते हैं ना वलित पर्वत तो वलन की प्रक्रिया हो रही है और जैसे भ्रंशोस्त पर्वत तो उसमें किसकी क्रिया होती है भ्रंश की क्रिया होती है इसका मतलब संपीडन बल जब दो स्थलखंड आमने सामने टकराते हैं तो वलन और संवलन का निर्माण होता है और जब दो स्थलखंड एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उससे तनाव बल की उत्पत्ति होती है जिससे भ्रंश का निर्माण अब आपके सिलेबस में कहीं भी ये नहीं लिख रखे न तो वलन लिखा है न भ्रंश लिखा है लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इसके तो दो प्रश्न नहीं आ रहे हों और इसका सामान्यतः एक प्रश्न इसका मतलब उस भू संचलन में बहुत सी जानकारियां आपस में इंटर रिलेटेड हैं अपने को ये भी पढ़ना है अपने को इस वाले भाग इससे भी प्रश्न आया हुआ है इस वाले पाठ से भी इस वाले पार्ट से प्रश्न आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको अपन कई बड़े स्तर पे जब देखते हैं तो इसमें सारी जितने भी भूआकृतिक जो प्रोसेस है जो मोर्फिक प्रोसेस वो सब इसमें आपको नजर आता है लेकिन इस वाले भाग में अंतरजात बलों में भूकंप ज्वालामुखी को छोड़कर बाकी सारी घटनाएं है। कैसी हैं धीमी गति समझ होंगे शायद लिख लिया क्या इतना नहीं लिखा है लिख लें तो और लिख लिया तो आगे चलें चलो जो बच रहा है वो लिख लें एक दो दिन का भी ये सब आपस में यदि इस टेबल को आपने नहीं समझा तो जब मैं लिखाते हुए चलूंगा ना पटल रोपणी एक महादेश जनक तो आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक क्या चल रहा है उसमें आपको लगेगा लगातार चलते आ रहे हैं ये ढूंढे सिलेबस को ढूंढ रहे हैं कहीं का नहीं मिल रहा है पहले तो रहता था, था, था ना ध्यान एक जब हम छठी क्लास में थे तो पहली बार अंग्रेजी चली गुरुजी पन्ना पलट दिया हमने पलट दिया ध्यान <laughs> रखते थे पलट दिया तो गई अगले पेज पे <laughs> यही होता था उस समय तो अब तो एल के जी यूकेजी से जो सही मायने में इंग्लिश की ज्यादा स्थितियां हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आपको पता है कि और ज्यादा तो हो सकता है कि नहीं हो लेकिन विद्यार्थी को जो अपन कहीं किसी तरह अप टू डेट कस के रखते हैं टाई बेल्ट होते हैं मजबूती से चलने में फिरने में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या। तो माता पिता भी खुश हैं ठीक है ठीक चल रहा है।, है और ये भी रहता है कि आज के समय में क्या बच्चों को थोड़ा सा रखना भी बड़ा कठिन काम है तो ये जैसे कोविड का समय था तो उस समय बहुत से कहते हैं स्कूल कब खुलेंगे ये हैं ये सारे दिन माथा फोड़ते हैं इनको स्कूल में भेज दें तो कुछ देर के लिए तो शांति हो जाए इस टेबल से ऐसा कोई पेपर नहीं है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो चाहे स्कूल लेक्चरर का हो चाहे नेट जेआरएफ का हो अधिकांशतः इस टेबल से ही एक प्रश्न अवश्य आता है और कई बार तो इस टेबल से दो-दो प्रश्न भी देखे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में तो दो से तीन मिल सकते हैं आपको उसका कारण है कि उसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा है जैसे अपन कहेंगे वहां तो जो यूनिट अपन के टोटल भूगोल को दो पार्ट में बांट के 300 सौ प्रसन्न है तो उस 300 सौ में से इसका एवरेज ज्यादा बन जाता है और स्कूल लेक्चर में आपको पता है 120 से 30 प्रश्न है तो वहां भी आपको एक से दो प्रश्न इस टेबल में से मिल सकते हैं पुराने वाले एग्जाम्स में सब एग्जाम्स में इस टेबल से प्रश्न है आपके पेपर में क्या होगा वो आने पर पता चलेगा हाँ। बना लिया सबने चलिए अब मैं केवल जात बल्कि एक छोटी सी जानकारी लिखता हूं फिर वापस इस वाले पार्ट पे आएंगे ये जो आपने जात बल लिखा है इसको आपने अलग लिखा होगा साइड में तो इसके नीचे चार पांच जानकारियां लिखनी है मैं इसको कंप्लीट रूप में लिख देता हूं जिसको आपने बी पार्ट लिखा है बहिर्जात या भाई बल कहें एक्सोजेनेटिक फोर्स बहिर्जात बलों को यदि एक शब्द के रूप में उल्लेख करें तो इसको कहा जाता है डेनोडेशन अनाच्छादन प्रश्न भी आया हुआ है बहिर्जात बलों को एक शब्द के रूप में क्या कहा जाता है तो उसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं बहिर्जात बलों को अनाच्छादन और अनाच्छादन में क्या घटनाएं हैं उसमें जब आप देखें तो यहां एक घटना जैसे यहां लिखा अपन ने कह, जिसको कहा अपक्ष वैदरिंग दूसरा कहा खर्दन सेंस में एक तो सामान्य अपर्दन जो अपन कहोडोरे टर्म से बना है जिसका अर्थ होता है कुतरना काटना या अपर्दन से तात्पर्य काटना भी है एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहाकर ले जाना जो परिवहन भी है और लास्ट में जमाव करना जो निक्षेपण भी है तो अपर्दन में सन्नी घर्षण है अपघर्षण है गोहिकायन है अपवाहन है उत्पाटन है ये सारी क्रियाएं होती हैं जो अपर्दन के अंदर और इसी वाले भाग में एक तीसरा पार्ट है जिसको कहते हैं गय जिसको कहते हैं व्रत संचलन मास मूमेंट व्रत संचलन ये व्रत संचलन इन दोनों में ही छिपा हुआ है ये अवशय तो चट्टानों का टूट फूट कर अपने स्थान पर ही पड़े रहना भौतिक और रासायनिक तो रख दिया अपक्षय यानी और इससे चट्टानों को तोड़ना फोड़ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और जमा करना यह सारी घटनाएं किसमें शामिल होती हैं अपर्दन और इसमें व्रत संचलन बड़े स्तर के ऊपर मलवा ढाल के साथ नीचे की तरफ गिरना उसको कहते हैं व्रत संचलन तो कई बार तो आप देखेंगे कोई ढाल पे चट्टान थी छह की क्रिया से टूटी ढाल के कारण गुरुत्व प्रभाव से नीचे गिर गई बिना अपर्दन के साथ कई बार अचानक भारी वर्षा हुई ढाल के ऊपर चट्टानी मलवा था और जल से अपन कहीं उसके साथ लुढ़क कर नीचे आ गया तो ये क्रिया भी उसमें शामिल हो जाती है तो व्रत संचलन इन दोनों पार्ट में इंक्लूड है इसका मतलब ये भी अपने को पढ़ना है ये टॉपिक अपने वहां नहीं है हर बार एक प्रश्न यहां से आता है हमेशा वो किस रूप में आएगा जब अपन यहां आएंगे चर्चा करेंगे व्रत संचलन वाले भाग की जब बात करते हैं तो इसमें गति के आधार पर इसके तीन प्रकार हैं, गति के आधार पर इसको कहता है एक नंबर पे जिसको कहता है मंद संचलन स्लो मूवमेंट कहता है मंद संचलन सबसे धीमी गति से जब मलवा ढाल के सारे नीचे की तरफ सरकता है जिसको यूं कहा जाता है कि प्रत्यक्ष तय आंखों से दिखाई नहीं देता उसको कहते मंद संचलन और मंद संचलन में इसी में नीचे लिख देंगे मृदा सर्पण शैल सर्पण आपने ध्यान दिया दोनों के साथ एक ही शब्द का प्रयोग किया है किस शब्द का प्रयोग किया सर्पण मृदा सर्पण शैल सर्पण बहुत धीमी गति से ढाल के साथ जब मलवा नीचे की तरफ खिसकता हो और प्रत्यक्ष तय अपने को दिखाई नहीं देता हो वो मंद संचलन है जैसे मैं कहूं आपके सामने ये एक बिजली का खंभा गाड़ा कुछ दिनों बाद आपने दस दिन बाद गई तो पता चला ऐसा दिख रहा गाड़ा जब तो ऐसा था सीधा था बिल्कुल पंद्रह बीस दिन मैंने बाद गई तो देखा थोड़ा सा झुक गया ये इसमें इतना धीमी गति से अपन का झुकाव है इसमें धीमी गति से संचलन था गति थी जो प्रत्यक्ष अपने को आंखों से दिखाई नहीं देता और आप कह सब और जितने भी आप देखो बिजली के हैं या टेलीफोन के खंभे हैं सामान्यतः जहां भी मिट्टी में गाड़ते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत झुकाव आपको नजर आएगा और यदि आपने खंभे को गाड़ा उसके पास दिन रात बैठ गई आंख खोल के तब भी अपने को दिखेगा नहीं झुक कब रहा है जब बैटरी लेके बैठ जाए रात को दिखेगा नहीं तो बैटरी से देखते रहें ऐसे आप देखें कुछ इमारतें होती हैं दीवार होती है कुछ समय बाद आपको लगेगा थोड़ी सी टेढ़ी होगी झुक गई तो ये अपने को ऐसी धीमी गति का संचलन है जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं देता है रोजाना नहा धो के शीशे के सामने जाते हो लेकिन बाल दिखते हैं कब बढ़े हैं लेकिन एक महीने बाद पता चल गया बाल तो बढ़े हैं लेकिन ये नहीं पता कब बढ़े हैं तो नहीं लगता है कि सोते हैं जब बढ़ते हैं, है इसका मतलब यदि किसी टर्म के साथ सर्पण वाला टर्म लग रहा है तो आप समझ जाए वो बहुत धीमी गति से हैं। दूसरा पार्ट देखिए जिसको अपन कहते हैं तीव्र संचलन रैपिड मूवमेंट तीव्र संचलन जिसको क्या कह रहा है रैपिड मूवमेंट तेज गति से अचानक चट्टानी मलवा गुरुत्व प्रभाव से ढाल के सारे नीचे की तरफ गिरा जिसको अपन कहते तीव्र संचलन तीव्र संचलन में जैसे मैंने लिखा आपके सामने पंख प्रवाह कीचड़ प्रवाह मृदा प्रवाह देखो कोई शब्द समान है क्या कहीं कीचड़ प्रवाह पंख प्रवाह मृदा प्रवाह इसका मतलब प्रवाह वाला टर्म जहां भी आ जाए तो वो आप ध्यान रखना किसकी बात करता है रैपिड मूवमेंट यानी तीव्र संचलन तीव्र का मतलब आकस्मिक समझे इसको कैसा है अचानक और इसी में एक टर्म लिखा जाता है एवालांस एवा लांस भी कह सकता है एवा लांच भी कह देता है इंग्लिश का टर्म है और हिंदी में इसको कहता है मलवा मलवा मलवालांस इंग्लिश का टर्म है और हिंदी में इसको क्या कह रहा है मलवा अवधाव ये सभी तीव्र संचलन में है लेकिन एक जिसको आप लैंडस्लाइड कहते हो भूस्खलन कहते हो या शैल का पतन कहते हो उसमें और भी तेज गति हो जाती है और इसलिए उसको नाम दिया जाता है तीन नंबर पे अत्यधिक तीव्र संचलन अत्यधिक तीव्र संचलन अच्छा तीव्र और अत्यधिक तीव्र में फर्क है क्या तेज में भी उससे भी तेज अत्यधिक तीव्र संचलन और इसमें आप लिख देना भूस्खलन लैंडस्लाइड और एक टाइम लिख देना शैल पतन चट्टानों का अचानक ढाल के साथ अत्यधिक तेजी के साथ नीचे की ओर गिरना खन और सैल पतन है ये बहिर्जात बलों में व्रत संचलन अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत माइनर रूप में है महत्वपूर्ण भी नहीं है लेकिन आजकल एग्जामिनर उस भाग से ज्यादा प्रश्न करता है जहाँ का मैटर भी बहुत कम है सामग्री मटेरियल भी बहुत भी कम है और बहुत ज्यादा विशेष नहीं है उस वाले भाग से प्रश्न ज्यादा रख रहा है तो ऐसे छोटे पार्टों को किसी ऐसे पार्ट को इग्नोर नहीं करना है उस पार्ट को भी आपको अवश्य पढ़ना है बना लें आप उस वाले टेबल में अभी बंद नहीं करें अब इस टेबल की बात करने के बाद ही चलेंगे इससे पहले नहीं पांच मिनट यू समझ ले पांच मिनट एक बार तो आप लिख लें फिर मैं चेक करते हैं कि आप कितने स्टेबल को समझ पा रहे हो अच्छा आपके जो प्रश्न आए हुए हैं मैं पहले उन्हीं की चर्चा कर देता हूं एक दो प्रश्नों की जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं अब प्रश्न का ऑप्शन लिखता हूं आंसर आपको चेक करना है प्रश्न को मैं वैसे बोल देता हूं प्रश्न सुन लें तीव्र संचलन के उदाहरण हैं प्रश्न सुने तीव्र संचलन के उदाहरण हैं ए तीव्र संचलन के उदाहरण हैं तीव्र संचलन को दर्शाने वाले और आपने आंसर क्या बनाया ये आपके पेपर में आया हुआ है पुराने पेपरों में जब उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा तो आप आसानी से और जहाँ भी आप देखो फ्लो जैसे अपन का मृदा प्रवाह है जैसे पंख प्रवाह है कीचड़ प्रवाह है प्रवाह वाले सब जोड़े और प्रवाह के साथ फिर यह ध्यान रखना अहवालान्स या मलवा अवधा दूसरा प्रश्न सुने निम्न लिखित में से आकस्मिक बल नहीं है प्रश्न फिर सुन लें निम्नलिखित में से आकस्मिक सडन मोमेंट, आकस्मिक बल नहीं है निम्नलिखित लिखित में से आकस्मिक बल नहीं है एक डी अब संकट है आंसर यही है यह भी आपके पेपर में है अब आपने ये देखा कि सही मायने में आपने इस रूप में इसको देखा कि जब आपने इस वाली टेबल की बात की तो आकस्मिक बल तो ये थे जो भूकंप और एक अपन ने लिखा यहां से क्या लिखा और संपीडन बल कैसा है ये आकस्मिक बल में शामिल नहीं है और आपने कहा कि एक अपन ने क्या लिख दिया भाई बल में और भाई बल में अपन ने लिखा भैर जात में उसमें कहाँ से उठाया एवालांस और ये कैसा है तीव्र तीव्र संचलन कैसा है आकस्मिक है हाँ यदि मंद कह देता तो वो शामिल नहीं होता तीव्र और अत्यधिक तीव्र दोनों को शामिल करता है तो वो किसमें शामिल होंगे आकस्मिक में लेकिन फर्क इतना है ये तो कैसे है? भाई और भूकंप ज्वालामुखी कैसे हैं आंतरिक इस रूप में भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं बाकी की बातें अपन कल करेंगे।